ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अखंड ज्योत जो हम नवरात्रों के दौरान जलाते हैं उससे जुड़े हुए कुछ आपको महत्व के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए नियम के बारे में। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद तो हम प्राप्त करते ही हैं, साथ ही नवरात्रि के पहले दिन हम घरों में घट स्थापना या फिर कलश स्थापना जिसको हम बोलते हैं वह भी करते हैं और माँ के सामने हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं और हम कामना करते हैं माँ से कि हमारे घर में कभी अंधकार ना हो और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करी जाती है। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, इसलिए भक्त उपवास रखते हैं और पहले दिन कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त संकल्प लेकर अखंड ज्योत घर में जलाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ नियम आप जान लीजिए। सबसे पहले, अखंड ज्योत जलाने के बाद उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए घर में होना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाए रखने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों की प्रगति भी होती है। ज्योति के प्रकाश से सभी तरह की समस्याएं खत्म होती हैं और माँ का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला, अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लें और फिर माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगें। अखंड दीपक को हमेशा आप किसी पटली या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ही रखें। अगर ज़मीन पर रखते हैं तो उसके नीचे आप कोई ना कोई चीज़ अवश्य ऐसी रखिए जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता रहे। अखंड दीपक की ज्योत रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र दीपक के बीचों बीच रख दें। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं हो तो सरसों के तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोई आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो मांस मदिरा या फिर लहसुन प्याज वगैरह आपको नहीं खाना है अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो, क्योंकि अखंड ज्योत माँ दुर्गा के एक तरीके से देखा जाए तो उनको हम अर्पित करते हैं और उनकी हम पूजा पाठ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने से पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान करें, फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वरस्वदा नमस्तु का मंत्र जप करके हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और 9 दिनों के बाद दीपक को बुझाएं नहीं। जैसे कि आज रामनवमी है तो आज आप बुझाएं नहीं, आज आप इसको जलते रहने दीजिए, ये स्वयं ही अपने आप ही जो है दीपक अपने आप ही खत्म हो जाएगा जब उसका तेल या घी, उसके बाद ये स्वयं ही बुझने लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।